गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज मंडे है, दिन की नई शुरुआत। और अपन निकल चुके हैं ऑफिस, और टाइम हो रहा है 7:41, 7:45 हो गए। निकलना थोड़ा जल्दी था, थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली। 7:15 निकलना था, आधा घंटा और लग गया। तो चलो जल्दी से निकलते हैं ऑफिस। आज ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा, मंडे है ना, मंडे ट्रैफिक भी बहुत रहता है। तो चलो मैं यहाँ से निकल लूँ एक बार, फिर रास्ते में आप लोगों से बात करूँगा। ये देखो कितनी पुरानी गाड़ी है, एम्बेसडर, अभी भी देखो ये चल रही है सड़क पे ना, किसी भाई ने मेंटेन करके रखी है। ये देखो कल का मैच दिखा था? हाँ सर बिल्कुल देखा था। कल ऋषभ पंत ने जिता दिया भाई। अरे सर 125 मारे थे लास्ट के ओवर में, तो भर दिया था उसने इंग्लैंड वालों को, 4 चौके मारे थे। ऋषभ पंत ने, हार्दिक पांड्या ने भी मारे, हार्दिक पांड्या और विकेट भी लिए, 4 विकेट भी लिए। आजकल दिन खराब उसके चल रहे हैं, विराट कोहली के 17 रन नॉकआउट हो गए। विराट कोहली के दिन तो सर हमें पता, पूछो कैसे खराब हुए। हां बताइए कैसे। हमारा ऑफिस में ना एक लड़का है, हां नाम बता दूं? हां बोल दे क्या हो गया। आरिफ नाम है शायद, स्टेटस अभी भी लगा रहा था, देख ले तो लगा रखा। अच्छा तो उसने खराब कर रखे थे ना? नहीं बताऊंगा, जितनी बार भी बॉल खेलेगा ना हर बॉल पे आउट होगा सर। अब बताओ कैसे चल रहा है खिलाड़ी। आरिफ ने अपनी के चक्कर में इसकी लंका लगा रखा। आरिफ की खुद की फॉर्म खराब, मतलब उसकी खराब चल रही थी, इसकी को मतलब इसको अपने आप को कंपेयर कर रहा है। हाँ जी, विराट कोहली ये नहीं है, उसको तो चलने दे, उसके बहुत सारे फैन है इस दुनिया में। अपनी के चक्कर में इसकी को लगाए पड़ा है यार भाई, इसके स्टेटस मत लगा, हम भी फैन है इसके यार, हम तो कभी नहीं लगाते ऐसे स्टेटस। लगा ऐसे लगाना जिसमें बढ़िया खेला। मैंने भी नोटिस किया है, कई दिनों से चल रहा है ये ना, शतक बना था वो चीज लगा तो हर बॉल पे आउट वाला लगाता है, तो वही नेगेटिविटी आ गई है। तो आज रिक्वेस्ट कर लेते हैं आरिफ को ना, आरिफ को बोल देना भाई। मैं आरिफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 घंटे बाद चेंज होते हैं। मैं आरिफ से बोलूंगा तू सिर्फ 2 दिन इसका स्टेटस लगा, एक मैच आने से पहले, तब देखते हैं कि माफी है, ऐसा पता चल जाए। अगर चल गया तो समझ लो आरिफ ही इसके। कुछ अर्जेंट काम था गाजियाबाद का, तो ऑफिस से मैं आ गया था, और टाइम हो रहा है 3:30, तो अभी चलते हैं गाजियाबाद। मतलब गाजियाबाद में आ ही गया हूँ मैं, तो अभी हार्डली पहुँच जाऊँगा 10-15 मिनट में उस लोकेशन पे जहाँ मेरा काम है। काम क्या, एक बैंक का कुछ काम आ गया था अर्जेंट, वहाँ जाना है। फिर उसके बाद एक काम और है, वो जाना है मुझे RDC में। तो चलो मैं पहले पहुँच जाता हूँ वहाँ पर, फिर करेंगे बात। और भाई बिल्कुल भी दोपहर में तो आज ना ट्रैफिक मिला ही नहीं, ट्रैफिक एकदम ना सही, एकदम ट्रैफिक रहा एकदम। तो जो ट्रैफिक मैंने देखा है सुबह शाम का ज़्यादा रहता है, मतलब या तो सुबह बहुत रहेगा ट्रैफिक या शाम को बहुत रहेगा, बाकी दोपहर में आप कहीं आना जाना करो तो इतना ट्रैफिक नहीं रहता। तो चलो मैं पहुँच जाता हूँ, फिर करूँगा आपसे बात, ज़रा पहुँच जाऊँ पहले लोकेशन पर। बैंक में छोटा सा काम था वो निपटा लिया, और अपन अब लोग ना निकल चुके हैं यहाँ से। अब इनको दे देते हैं पर्ची भैया को, लो भाई। चलो ट्रैफिक ही ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक नहीं है, निकल लो भाई। इसमें आए थे अपन लोग ना VIP मॉल के अंदर। अब यहाँ से मुझे चलना है RDC में भी कुछ काम है वहाँ पे लगेगा, लेकिन टाइम मुझे कम से कम नहीं तो 1-2 घंटे का। पूरा दिन बस भागा दौड़ी में निकल रहा है। सुबह 7:30 बजे के निकले हुए हैं दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से फिर अब RDC जा रहे हैं, RDC से फिर लौट के फिर दोबारा आना है। अभी थोड़े दिन में ना ये सारे रास्ते ना बंद होने वाले हैं, ये जितने भी रास्ते हैं ना, ये कांवड़ की वजह से, कांवड़ के अपने श्रद्धालु भाई जाएंगे यहाँ से कांवड़िया भाई, तो ये सारे रास्ते ना बंद हो जाएंगे।
तो अभी जितने भी लोकल काम है ना अपने, वो सारे निपटा लूँ, क्योंकि फिर 5-6 दिन के लिए रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, फिर आना जाना बंद हो जाएगा। फिर मतलब आ तो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रगल है, मतलब इतनी सी दूरी के लिए 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो मेरे कुछ पेंडिंग काम थे, तो इनको मैं फटाफट से ना निपटा निपटू के ख़त्म कर देता हूँ, जिससे क्या रहेगा कोई आगे परेशानी नहीं होगी। तो ये है गर्मी भाई साहब, इतनी पड़ रही है गर्मी कि बस जरा सी देर गाड़ी से उतर के जाते हैं और कुछ काम करके वापसी आओ, पूरी शर्ट भीग जाती है। और जब शर्ट भीग जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि एसी की ठंडी हवा लगती है ना, तो महसूस होता है कि कहाँ कहाँ से शर्ट भीगी हुई है। तो क्योंकि पहले तो पसीने में होते हैं, पता नहीं चलता है, जब उस पर ठंडी ठंडी हवा लगती है तब महसूस होता है, अच्छा यहाँ से भी भीगी है, अच्छा यहाँ से भी भीगी है। तो ये है सारी कहानी है। और टेम्परेचर भी तो बहुत हो रहा है, 43 डिग्री हो रहा है। अब बीच में एक आध दिन बारिश आई थी तो थोड़ा सा ठीक हो गया था माहौल, अब फिर से वही हो गया। तो थोड़ी सी बारिश वरिश सी पड़ जाए तो उससे क्या रहेगा ना कि माहौल थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बाकी कांवड़िया वगैरह भी यहाँ से लोग निकलेंगे, उनके लिए भी थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये है सारी कहानी। चलो यार मैं अब RDC पहुँच जाता हूँ। गाड़ी चलाते चलाते ना पुलिस वाले ने देख लिया ना वीडियो बनाते हुए, तो चलान कर देगा मेरा। चलो यार गाड़ी अपनी लगा दी थी यहाँ पे, ये गाड़ी खड़ी हुई है और अपन चल रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स में। पता नहीं क्या नाम है इसका, नाम नहीं पता, जाके देखता हूँ मैं, कई बार आ लिया यहाँ पे। क्या कॉम्प्लेक्स का नाम है इसका, पूरा गाड़ी का मार्केट है, कुछ भी सामान चाहिए हो ना तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। गाड़ी वाड़ियाँ ठीक होती रहती है। ये आ गए दुर्गा टावर है ये। चलो भाई चलो, दो जीरे चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। कुछ सरकारी काम है, सरकारी काम से आए हैं। चलो भाई पहुंच गए। चलो यार यहाँ से निकल लिए गाजियाबाद से, और अंधेरा सा हो गया एकदम, और टाइम हो गया है 7:10। तो अब जिस काम से आए थे वो सारा काम हो गया अपना ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला काम भी हो गया है अपना, जो मैं बीच में गया था एक बैंक वाला काम था, और एक मैं यहाँ पे आया था, ये वाला भी मेरा काम हो गया। तो आप चले घर, आज गाजियाबाद में ही है तो हार्डली 15-20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, अगर कोई छोटा मोटा जाम वगैरह नया मिला तो। चलो बाकी घर पहुंच जाता हूं फिर करूंगा। चलो अब यहां से निकल लिए हैं और थोड़ा ट्रैफिक हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलो व्लॉग यहीं एंड कर लेते हैं। कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा, बाय 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 बाय।